मेजरमेंट एंड मैथ इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था, तो क्या है कि इनके ये हमारा थर्ड चैप्टर था, चैप्टर थर्ड था हमारा। पहले इनके प्रश्न दो प्रश्न है जो जो कर लेते हैं, उसके बाद क्या है आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फोर में मार्किंग और लेआउट उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, मीट्रिक पद्धति में मीट्रिक सिस्टम में एक इंच कितने, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, कितना होता है, क्या है एक मीट्रिक पद्धति में एक इंच कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, बराबर है। ठीक है, मीट्रिक पद्धति में एक इंच कितने के बराबर होते हैं, तो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको एमपीएस सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम और सीजी सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया था कि सिस्टम क्या है। तो उसमें क्या था, मीट्रिक सिस्टम में क्या था, जो हमारे इंच है कितने के बराबर होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 25.4 मिलीमीटर, 254 सेंटीमीटर, 25.04 मिलीमीटर एंड 24.50 मिलीमीटर, ये आपके ऑप्शन है। तो क्या होता है एक इंच में हमारे 25.4 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो, मान लीजिए यह मिलीमीटर की सेंटीमीटर दिया गया हो, तो एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, क्या है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी ऊपर से नीचे आना है। मैंने आपको बताया था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इन सब के बारे में बता दिया था। तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो क्या है आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करोगे आप, क्योंकि तो हमारा क्या है सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मिलीमीटर कितने होते हैं 25.4 मिलीमीटर में होते हैं, सेंटीमीटर में जाओगे तो आपको 10 से डिवाइड करके आप सेंटीमीटर में आंसर को ला दोगे। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, लिखा है मैंने ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर था एक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारा क्या है मापी औजार है, जो क्या करते हैं किसका मापन करते हैं, वो हमारी जॉब होती है उसकी जो सरफेस होती है उसकी स्क्वायरनेस क्या चेक करती है, स्क्वायरनेस को चेक करती है, प्लस वो क्या करती है 90 डिग्री जो कोण होती है, दो जो साइड हमारी है 90 डिग्री में है या नहीं है इसको चेक करती है। तो क्या है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, क्या दिया गया है 45 डिग्री कोण में, 90 डिग्री कोण में लंबाई में और 60 डिग्री कोण में, तो हमारा आंसर क्या होगा 90 डिग्री के कोण में, क्योंकि जो ऊपर ट्राई स्क्वायर है दो साइड 90 डिग्री में है या नहीं है इसको चेक करती है, ट्राई स्क्वायर चेक करती है, और जॉब की स्क्वायरनेस होती है वो भी हमारी चेक कौन करती है, ट्राई स्क्वायर ही करती है। ये थे हमारे दो प्रश्न जो मैंने करवा दिया है, सारे प्रश्न को नोट कीजिएगा। और अब आते हैं अपने टॉपिक में मार्किंग और लेआउट। ठीक है फ्रेंड्स,